हर कोई इंसान चाहता है कि वो स्वस्थ रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पीनट बटर के बारे में, पीनट बटर को कैसे यूज करना है, पीनट बटर हमें कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, पीनट बटर लेते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका यूज कैसे करना चाहिए, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक हेल्थ टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने जीवन में खुशियों को और बढ़ा पाओगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्की, मेरा नाम है लक्की। पीनट बटर खाने में टेस्टी तो होता ही है, साथ ही साथ यह सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर आपके वजन नहीं बढ़ रहा है तो आपको पीनट बटर का यूज करना चाहिए। पीनट बटर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इसका यूज करते हैं। पीनट बटर में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन ई, विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है और हार्ट की सेहत के लिए अच्छा है। पीनट बटर का यूज कितनी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। पीनट बटर को हम दो तरीके से खा सकते हैं। पहला तरीका है ब्रेड के ऊपर पीनट बटर को लगा करके खाएं। सेकेंड तरीका है एक गिलास दूध में 2 चम्मच पीनट बटर को अच्छी तरह से मिला करके फिर उस शेक को पिए। इससे हमें 100% बेनिफिट होता है। मैं खुद पीनट बटर का यूज करता हूं और मेरे को इसका शानदार रिजल्ट लगा है, इसीलिए मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं पीनट बटर को किसको नहीं खाना चाहिए। जिसको मूंगफली से एलर्जी हो उसे ना ही मूंगफली खानी चाहिए और ना ही पीनट बटर का यूज करना चाहिए। पीनट बटर को आप बाजार से ला सकते हो, अगर आपको बाजार में नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, Amazon, Flipkart, बहुत सी ऑनलाइन साइट से। मार्केट में बहुत सारे पीनट बटर उपलब्ध है, लेकिन उनमें नमक और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए हमें पिंटोला कंपनी का ही पीनट बटर लेना चाहिए। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आई विल गिव यू रिप्लाई। आज की हेल्थ टिप्स यह है कि अगर आपके दिमाग में चाहे कितनी भी टेंशन होना तो आप ना बच्चों के साथ खेलने लग जाइए, या फिर अकेले रूम में जाकर के बचपन को याद कीजिए। आप बचपन में कितनी शरारतें करते थे, स्कूल में जाकर के किसी को मारना या फिर कभी खुद ही पिट जाना, और स्कूल में मॉनिटर बनते थे ना तो उस शख्स से जरूर बदला लेते थे जो हमारा बिगेस्ट एनिमी हुआ करता था। कभी उसकी शिकायत ना टीचर से करते थे तो टीचर उसे पनिश करती थी, या फिर कभी वो हमारी शिकायत करता था तो टीचर हमें भी कभी कभी पनिश कर देती थी। होली में किसी को थप्पड़ मार देना, रंग तो कम लगाते थे, किसी को चांटा ज्यादा मारते थे, मतलब बहुत ही नोटीपन ज्यादा करते थे। अगर हम इन मोमेंट्स को याद करते हैं ना तो हमारी कितनी भी टेंशन होगी ना वो भाग जाएगी। आप कौन सी बचपन में ज्यादा शरारतें करते थे ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और आप सबके कमेंट्स को पढ़ करके मेरा मन है वो गार्डन गार्डन हो जाता है। और आपको वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका सकारात्मक कमेंट है वो मेरी ऊर्जा को 100 गुना बूस्ट कर देता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ताकि उन्हें भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिले। मैं मिलता हूँ ऐसी ही नेक्स्ट एक यूनिक कॉन्टेंट के साथ एक जेन्युइन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। One the world is sound asleep.